नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, हम ना होते तो आपके चेहरे को गुलाब कौन कहता, हम ना होते तो आपको खुली किताब कौन कहता। ये तो करिश्मा है हम प्यार करने वालों का, वरना पत्थर के मीनार को ताज कौन कहता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए, प्यारे बच्चों, जो आपका हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की हुई है उसमें अपार मात्रा में प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आते ही शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हर एक बच्चा कमेंट करके बताओ कि कितनी जीके आपकी इंप्रूव हो रही है। आज प्यारे बच्चों, आज हम जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हरियाणा के मैंने पहले जो जैसे घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद करवा दिया है और आज क्या पढ़ेंगे, करनाल पढ़ेंगे। और करनाल है ना प्यारे बच्चों, अगर आप मैप देख पा रहे हो ना, तो ये रहेगा आपका करनाल। क्या रहेगा ये आपका, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, करनाल रहेगा। क्या रहेगा ये आपका, करनाल रहेगा। और करनाल है ना ये प्यारे बच्चों, खुद क्या है, एक मंडल है। और करनाल है ना एक लोकसभा की सीट है और यहाँ से जो सांसद कौन रहेंगे, संजय बाटिया जी रहेंगे। कौन रहेंगे, संजय बाटिया जी रहेंगे। तो करनाल प्यारे बच्चों एक मंडल भी है और करनाल मंडल में केथल और पानीपत आता है। तो करनाल की सीमा देखो, केथल से भी लगती है, इधर कुरुक्षेत्र से लगती है, इधर करनाल जींद से सीमा बनाता है और इधर पानीपत से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो करनाल है ना, इसका क्षेत्रफल की बात करूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर साथ में क्षेत्रफल करवा दो। प्यारे बच्चों आप कहोगे वो ना करवाएं, ऐसा नहीं होगा। 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। और करनाल की प्यारे बच्चों तहसील की बात करूं ना, तहसील की बात करूं तो करनाल खुद क्या रहेगा आपका, एक है तहसील रहेगा। क्या रहेगा, खुद एक है तहसील रहेगा। एक प्यारे बच्चों आपका नीलो खेड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलो खेड़ी हो जाएगा। नीलो खेड़ी बहुत बार पूछा जाता है, कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। एक आपका असंध हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, असंध। और प्यारे बच्चों ये है ना, जो राजा परीक्षित होता था ना, अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित होता था, उसकी कहते हैं राजधानी कौन सी होती थी, तो उसकी राजधानी जो परीक्षित का बेटा, इंपॉर्टेंट है प्यारे, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था, उसके टाइम में राजधानी कौन सी होती थी, असंध करनाल होती थी। तो करनाल है ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है तहसील, खुद क्या होगा, करनाल हो जाएगा, नीलो खेड़ी हो जाएगा, असंध क्या हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है ये प्यारे बच्चों, नीलो खेड़ी से भी डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो विधानसभा की जो आरक्षित सीटों में ना, नीलो खेड़ी क्या रहेगी, करनाल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपके प्यारे बच्चों इंद्री और गरोंडा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंद्री और गरोंडा, इंद्री, इंद्री भी कहां पर रहेगी, करनाल की तहसील रहेगी। एक गरोंडा एक बार आया था डायरेक्ट, गरोंडा कहां पर रहेगा, करनाल में। पहली एनसीसी अकादमी है ना, उसकी स्थापना कहां पर की गई थी, गरोंडा करनाल में, 2016 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, कब की गई थी, 2016 में पहली एनसीसी अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 2016 में गरोंडा करनाल में। तो करनाल की प्रमुख तहसील कौन सी हो गई, करनाल खुद हो गया, नीलो खेड़ी हो गया, गरोंडा हो गया, इंद्री हो गया, असंध्य करनाल की क्या रहेगी, प्रमुख है तहसीलें रहेगी। अब प्यारे बच्चों करनाल के ना हम उपनाम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा उपनाम। एक करनाल है ना, इसको कर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण नगरी कहते हैं, क्योंकि महाभारत के जो पात्र होते थे कर्ण कहते हैं, उसी ने करनाल को बसाया था, इसलिए इसको कर्ण नगरी भी कहते हैं, ठीक है। एक इसको ना प्यारे बच्चों हरियाणा का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं। हरियाणा में सबसे सुंदर नगरों में करनाल की गिनती होती है। एक बार HSSC ने पूछा पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। एक प्यारे बच्चों इसे एग्रो हब के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एग्रो हब के नाम से किसको जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। एक प्यारे बच्चों जो लिबर्टी जूतों के कारण ना, इसको सूज सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूज सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, सूज सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। एक इसे वॉल ऑफ राइस, धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है, धान का कटोरा भी करनाल को कहते हैं। इंग्लिश में आया तो इसे
वॉल ऑफ राइस, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। लेकिन ये करनाल का ये पूछा जाता है कौन सा चावल पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, तो करनाल का बासमती चावल है ना पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। और करनाल में ना अगर पूछे सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होता है, करनाल में होता है। लेकिन चावल की किस्में पूछे ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है प्यारे बच्चों, चावल की जो किस्में है ना वो सबसे ज्यादा केथल में होती है। कहाँ पर होती है? केथल में होती है। तो करण नगरी हरियाणा का पेरिस एग्रो हब, सूज सिटी धान का कटोरा के नाम से ये एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा प्यारे बच्चों, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा। और प्यारे बच्चों जो केंद्र सरकार है ना वो कह रही है पूरे भारत में मैं कितनी स्मार्ट सिटी बनाऊंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगी, उसमें हरियाणा के किसको लिया गया है? करनाल और फरीदाबाद को ना केंद्र सरकार क्या बनाएगी? स्मार्ट सिटी। और हरियाणा सरकार है ना अपने खुद के पैसे से किसको स्मार्ट सिटी बनाएगी? गुरुग्राम को बनाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। हरियाणा सरकार तो अपने खर्चे से गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने करनाल और फरीदाबाद को किसके लिए नियुक्त किया गया है प्यारे बच्चों, कि हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और करनाल फरीदाबाद और इसके साथ एक अगर मैं हिसार जोड़ दूं ना, यहाँ पर पासपोर्ट, जो पासपोर्ट न्यायालय पूछे ना तो वो कहाँ पर रहेंगे, तो प्यारे बच्चों वो करनाल फरीदाबाद और हिसार में रहेंगे। यहाँ से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे प्यारे बच्चों करनाल को रिसर्च सेंटर के नाम से, अनुसंधान के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक अन्य नाम बोलूँ तो अनुसंधान नगरी के नाम से या रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गेहूं अनुसंधान केंद्र, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये बहुत से अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों करनाल का ना इतिहास की बात करूं ना, करनाल का इतिहास कहते हैं इसका नाम करनाल्य होता था, पहले इसका नाम क्या होता था? करनाल्य होता था। और इसे ना महाभारत में ना कहते हैं राजा, महाभारत में किसने बसाया था? राजा कर्ण ने बसाया था, इसीलिए इसको कर्णालय या कर्ण नगरी बोला जाता था। राजा कर्ण जी है ना प्यारे बच्चों कहते हैं सुबह चार बजे उठते थे। आज भी जब सुबह चार बजते थे ना तो पहले पापा कहते थे कर्ण का टाइम हो गया महाराजा, तो कर्ण सुबह उठ करना प्यारे बच्चों सोना दान किया करते थे। क्या दान करते थे? सोने का दान करते थे। या महाराजा कर्ण सवर्ण का क्या किया करते थे दान? एक बार कहते हैं इंद्र भगवान ने ना एक साधु का भेष बना करना, जो ये कर्ण है ना ये सूर्य पुत्र जी भी थे और भगवान सूर्य देव ने इनको कुंडल और कवच दान किया था, तो वो इंद्र भगवान ने जैसे प्यारे बच्चों एक संत का रूप बनाया और इनसे क्या ले लिए, उनके कुंडल और कवच ले लिए। उनको पता चल गया ये साधु नहीं है इंद्र भगवान है, फिर भी ये दानवीर कर्ण थे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, सोने का क्या कर दिया था, दान कर दिया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, कर्ण नगरी भी कहते हैं। कर्ण झील भी पूछा जाए ना आपसे, इंपॉर्टेंट है, कर्ण झील पूछा जाए, कर्ण झील कहां पर रहेगी? करनाल में रहेगी। चाहे आपसे कर्ण स्टेडियम पूछा जाए तो कर्ण स्टेडियम भी कहां पर हो जाएगा? करनाल में हो जाए। चाहे आपसे कर्ण का तालाब पूछा जाए या कर्ण जलाशय पूछा जाए, वहां कहां पर हो जाएगा? करनाल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? करनाल में हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, कर्ण का किला। लेकिन ना आप कर्ण का टीला पूछे ना तो कर्ण का टीला आपका ना प्यारे बच्चों, कर्ण का टीला या किला वो कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। और कर्ण गऊ कर्ण का तालाब पूछे ना तो वो प्यारे बच्चों कहां पर हो जाएगा? रोहतक में हो जाएगा। गऊ कर्ण का तालाब पूछे तो रोहतक में हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता था? इतिहास होता था। महाराजा कर्ण ने इसे क्या होता था? बसाया था, इसलिए इसको कर्ण नगरी के उपनाम से करनाल को जाना गया था। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार ये जो इसमें ना तीन एक युद्ध लड़े गए हैं प्यारे बच्चों, 1191 में क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में हुआ था गुरुजी? पृथ्वी
राज चौहान के बीच में हुआ था और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान है ना 1177 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। 1192 में प्यारे बच्चों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और किसकी हार होती है प्यारे बच्चों? पृथ्वी राज चौहान की क्या होती है? हार हो जाती है। और अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन था, तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ना इसको हेमू करेंगे, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक पूछे ना तो वो पृथ्वी राज चौहान होता था। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है ना प्यारे बच्चों, वो कौन होता था? हेमू होता था, हेमचंद्र विक्रमादित्य होता था, जिसने अकबर से युद्ध लड़ा था 1556 में पानीपत का। दूसरा अकबर की तरफ से बेरम खान ने नेतृत्व किया था। और एक प्यारे बच्चों तराइन का तीसरा युद्ध है ना वो 1215 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था गुरुजी? इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और इल्तुतमिश से कौन टकराया था प्यारे बच्चों? यल्दोज टकराया था। इल्तुतमिश से कौन टकराया था? यल्दोज टकराया था। और इस युद्ध में क्या होता है कि इल्तुतमिश की क्या होती है? जीत होती है। यल्दोज की इस युद्ध में क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इस युद्ध में कौन जीता था प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश जीता था। और एक है ना प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। जो ये प्यारे बच्चों तराइन है ना इसको वर्तमान में त्रावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रावड़ी। यहीं से ना जो क्रिकेटर है नवदीप सैनी करनाल से, त्रावड़ी तराइन से है। करनाल का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1739 ईस्वी में हुआ था गुरुजी। किसके बीच में हुआ था? ये प्यारे बच्चों एक शासक होता था मुगल वंश का, मोहम्मद शाह रंगीला होता था। ये प्यारे बच्चों किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के साथ इस युद्ध में कौन लड़ा था? तो इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला के साथ है ना एक ईरान का शासक होता था प्यारे बच्चों, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। इसके साथ कौन लड़ा था? नादिर शाह लड़ा था। क्या लड़ा था? नादिर शाह लड़ा था। एक बार पूछा गया अगर ईरान का नेपोलियन आए ना, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भारत का नेपोलियन कौन होता था। तो भारत का नेपोलियन है ना ये हम समुद्रगुप्त को बोलते थे, क्योंकि आर्यवर्त और दक्षिणवर्त साइड उन्होंने 12 और 9 विजय हासिल की थी। और रियल में ना नेपोलियन पूछे ना, नेपोलियन है ना ये कहाँ का शासक होता था? रियल में नेपोलियन फ्रांस का राजा होता था। एक बार आया था नेपोलियन फ्रांस का राजा, कब बना? 1804 में बना। इसका रियल नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट होता था। नेपोलियन बोनापार्ट होता था। और इसके जीवन का अंतिम युद्ध 1815 में नेपोलियन ने कौन सा लड़ा था? वाटरलू का क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। उसके बाद इसका पतन हो गया। और प्यारे बच्चों नेपोलियन कहते हैं एक जिगरे वाला इंसान था, और इसने ना जिगरे में फ्रांस ने रूस से टक्कर ले ली, और रशिया से टक्कर लेना इसके पतन का क्या बन गया? कारण बन गया। कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, हम है ना बिल में हाथ डाल लेते हैं और हम सोचते हैं बिल में क्या हुआ होगा? चूहा होगा। लेकिन किसी बिल में चूहा ना होकर अगर सांप हो गया ना, तो उस बिल में हमारी सर्विस भी हो सकती है। कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसने किससे टक्कर ले ली थी? तो रूसिया से टक्कर ले ली। इसके पतन का क्या था? प्रमुख कारण था। अब प्यारे बच्चों कहते हैं कि नादिर शाह को पता चला कि भारत में एक हीरा है जिसका नाम है कोहिनूर, वो मुगल बादशाह के पास है, तो कोहिनूर का हीरा लेने आया था। और साथ में ये कोहिनूर का हीरा ना जिस सिंहासन में जड़ा था, वो कौन सा सिंहासन था प्यारे बच्चों? मयूर सिंहासन था। और आपसे पूछे मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो कौन था? बे बादल खान ने इसको बनाया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा शाहजहां था, और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कहते हैं ये नादिर शाह की सेना आई ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? युद्ध अभ्यास कर रहा था। तो युद्ध अभ्यास करेंगे तो अपने सारे
औजार तोप वगैरह हमें नहीं लाएंगे। इसलिए इसने जल्दी से मोहम्मद सारंगीला को नादिर शाह ने बंदी बना लिया और बंदी बनाते ही पूछा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोला मेरे को मार कर आपको क्या मिलेगा, बोला आपको क्या चाहिए, बोला कोहिनूर चाहिए, बोला भाई ले जा, मयूर सिंहासन चाहिए, भाई ले जा, बोला तू बैठा मैं बैठा एक ही बात है। तो प्यारे बच्चे और करेगा क्या, सर पे जब तलवार लटकी है ना तो यही होना था। और कहते हैं ये नादिर साना रात को इसके पास रुकने वाला था तो इसने कहा कि भाई तेरे को पता है मेरे पास कोहिनूर है, तू ईरान से आ गया, अगर अंग्रेजों को ये बात पता चलेगी तो वो हम पर रात को आक्रमण करेंगे, मेरी सर्विस तो होनी तय है, मेरे साथ तेरी भी सर्विस हो जाएगी। तो नादिर साह कहते हैं रातों रात ईरान चला गया और ईरान जाकर कहते हैं नादिर साह का एक बेटा था उसको उसने कोहिनूर का हीरा गिफ्ट कर दिया और वो कुछ देर के बाद कुछ दिनों बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। फिर नादिर शाह ने वो कोहिनूर का हीरा अपने बेटे की कब्र के साथ दफना दिया। फिर दरबारियों को पता चला तो उन्होंने निकाल दिया, वो घूमता रहा। महाराजा रणजीत सिंह के पास पंजाब में भी कोहिनूर का हीरा आया था। अंत में महाराजा दलीप सिंह के पास देखा गया था। जब अंग्रेजों ने पंजाब को 1848 में मिलाया था ना तो महाराजा दलीप सिंह ने कहते हैं वो हीरो महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया। और आज हमारी भारत सरकार इंग्लैंड से जब हीरा मंगवाने की बात करती है ना तो वो कहते हैं कि वो महाराजा दलीप सिंह ने हमें क्या किया था, गिफ्ट किया था। और गिफ्ट दी हुई चीज पर अगर मैंने आपको कोई पेन गिफ्ट कर दिया या किताब गिफ्ट कर दी तो उस पर आपका अधिकार होगा ना कि मेरा होगा, इसलिए वो भारत नहीं आ रहा है। तो इस युद्ध में किसकी जीत होती है, मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है और नादिर शाह की जीत होती है। और रियल में आता है किस युद्ध के बाद रियल में मुगल शक्ति का पतन हो गया था, तो करनाल के युद्ध के बाद मुगल शक्ति का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछी जाएगी। अब है ना यहाँ से ना प्यारे बच्चों, एक 29 नवंबर 1970 की बात है, 29 नवंबर 1970 की बात है। करनाल का एक गांव था उच्चानी, उस गांव में ना क्या था, अंतिम गांव था जिसको बिजली से जोड़ा गया था। और हरियाणा प्यारे बच्चों भारत का पहला राज्य बना था, भारत का पहला राज्य बना था जिसने हर गांव तक क्या पहुंचाई थी, बिजली पहुंचाई थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी है ना उस टाइम देश की क्या होती थी, पीएम होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी है ना, ये उस टाइम है ना जो आधुनिक हरियाणा के निर्माता सीएम होते थे जिनका नाम होता था चौधरी बंसी लाल, इनको सम्मानित करने के लिए कहाँ आई थी, करनाल आई थी। और हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसने सड़कों को गाँव से जोड़ा था। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। किस गांव में अंतिम रूप से बिजली आई थी, उच्चानी गांव करनाल में आई थी 29 नवंबर 1970 को। ये चीजें याद कर लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई भी आए गलत नहीं होना चाहिए। अब है ना हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रसिद्ध व्यक्तित्व, क्या पढ़ेंगे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में पहला तो व्यक्तित्व रहेगा कल्पना चावला का रहेगा, क्या रहेगा, कल्पना चावला का रहेगा। और कल्पना चावला का संबंध कहाँ से था, करनाल। और एचएससी मानती है इनका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 को हुआ था, लेकिन इनके घर वालों के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962। गुरुजी आए तो एग्जाम में क्या करना है, तो 1 जुलाई 1961 ही आपको करना है क्योंकि 10th की डीएमसी में इनका यही डेट ऑफ बर्थ है। पहले प्यारे बच्चों क्या होता था, ये डेट ऑफ बर्थ है ना हम क्या करवा देते थे, डेट ऑफ बर्थ है ना हम बड़ी करवा देते थे, क्या करवा देते थे, बड़ी करवा देते थे। पहले कहते हैं 5 साल से पहले ना बच्चे का नाम है नहीं लिखा जाता था, तो डेट ऑफ बर्थ छोटी के स्थान पर हम क्या करवा देते थे, बड़ी करवा देते थे। क्योंकि आज के टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी है ना मतलब घर पे है ना 2.5-3 साल का लड़का, अब तो डेट ऑफ बर्थ कम करवाने की जरूरत ही नहीं है, अब 2.5-3 साल का लड़का होता है ना उसको ना जब वो घर पे मम्मी को तंग करता है ना तो मम्मी और पापा क्या करते हैं उसको स्कूल में छोड़ आते हैं, मैडम के पास छोड़ आते हैं। 1.5 साल के लड़के को आपने मैडम की आदत डाल दी, अब वो जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो मैडम के चक्रों में ही रहेगा। और फिर आप कहोगे कि शादी होते ही हमारा लड़का बदल गया, मैडम को लेकर कहां चला गया, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, अरे पागलों उसको मैडम की आदत डाली किसने थी। जिस टाइम बच्चे को अपनी माँ की जरूरत थी उस टाइम हमने बच्चे को मैडम दिखा दी,
अब वो माँ के करीब थोड़ी रहेगा, मैडम के करीब रहेगा। अगर आप बच्चे से आप उसका बचपन छीनोगे तो बच्चा आपसे आपका बुढ़ापा जरूर छीनेगा। और प्यारे बच्चों, हमारी जो जनरेशन है ना, वो लास्ट अनलकी और लकी जनरेशन मान सकता हूँ। गुरु जी लकी कैसे है, लकी ऐसे मान सकता हूँ कि हमने 20वीं और 21वीं शताब्दी दोनों देखी है। अनलकी ऐसे मान सकते हैं, जब हमारा जन्म हुआ था ना तो हमारी फोटो है ना वो किससे नहीं खींची गई थी, फोन से नहीं खींची गई थी। आज तो जन्म होते ही फोन से टाइम इतने बजकर इतने मिनट पर बेटा या बेटी हुए स्टेटस लग जाते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, पहले है ना रियल में डेट ऑफ बर्थ घर वालों को भी पता नहीं थी। अब जितने भी मतलब व्यूअर वीडियो देख रहे हैं ना, वो कॉमेंट करके बताना किसको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ पता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी। अब हम मम्मी पापा से पूछते हैं ना, मम्मी मम्मी मेरा जन्म कब हुआ, मम्मी कहती है बेटा संडे का दिन था, महाभारत चल रही थी, पड़ोसी के वहां शादी थी। अब महाभारत चल रही थी, ठीक है, रंगोली चल रही थी। अब हम जाते हैं पड़ोसी के घर में, बोला अंकल अंकल आपकी शादी कब हुई थी। अब आदसों को भला कौन याद रखता है, तो उसको भी पता नहीं है शादी कब हुई थी। तो हम है ना फीलिंग लेने के लिए साल में 3 बर्थडे मना लेते हैं, एक अपना अलग बना लेते हैं, 10th वाला अलग बना लेते हैं, किसी और का अलग बना लेते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन रियल में इनका जन्म है ना 17 मार्च 1962 बताया जाता है, लेकिन आपको 1 जुलाई 1961 ही करना है, क्योंकि 10th की डीएमसी में इनका जन्म यही है। और कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बार ये आ सकता है कि 1982 में ना ये अमेरिका गई थी। 1982 में कल्पना चावला कहां गई थी, अमेरिका गई थी। और 1994 में ना इनका किसके लिए ये अंतरिक्ष किसके लिए चयन हो गया था, इनका नासा जैसे भारत के की जो एज स्पेस रिसर्च इसरो के नाम से है, और इनका किस नाम से रहेगा, नासा के नासा में चयन हो गया। और ये पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी। पहली बार कल्पना चावला पूछे अंतरिक्ष में कब गई थी, 1997 में अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। और जब अंतिम बार गई थी ना तो वो कोलंबिया विमान में गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। 16 जनवरी 2003 को किस विमान से गई थी, कोलंबिया विमान से अंतरिक्ष में गई थी। और कहते हैं ये कोलंबिया विमान 1 फरवरी 2003 को ना जमीन पर पहुंचने से 16 मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु पूछे तो 1 फरवरी 2003 को। और कल्पना चावला मेडिकल पूछे, कॉलेज पूछे करनाल, कल्पना चावला से संबंधित कोई भी चीज आई करनाल, लेकिन इनसे रिलेटेड तारामंडल पूछा गया था, तो कल्पना चावला से रिलेटेड तारामंडल है ना आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व पक्का आएगा। एक हमारे ना करनाल को सीएम सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीएम सिटी, क्योंकि प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो मनोहर लाल खट्टर है ना, इनका जन्म जरूर निदाना खास रोहतक में हुआ 5 मई 1956, लेकिन इनका संबंध कहां से रहेगा, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है करनाल। कईयों की जैसे मनोहर लाल खट्टर की कर्म भूमि पूछे ना तो कौन सी रहेगी, करनाल रहेगी। जैसे प्यारे बच्चों ये राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ, कर्म भूमि कौन सी होती थी, अंबाला होती थी। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोंगा स्थान पर हुआ, कर्म भूमि इसार होती थी। किशन लाल भट्ट का जन्म यूपी मेरठ में हुआ, कर्म भूमि रेवाड़ी होती थी। ये कर्म भूमि से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा रहेगा, करनाल। एक प्यारे बच्चों नवदीप सैनी, नवदीप सैनी ये भारतीय क्रिकेट टीम में ना तेज गेंदबाज है, तरावड़ी से है, तेज गेंदबाज रहेंगे। इनका संबंध भी कहां से रहेगा, करनाल से रहेगा। एक प्यारे बच्चों गौतम ऋषि, कौन से ऋषि, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का संबंध कहां से रहेगा, इनका आश्रम भी पूछा जाए, गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल से बताया जाता है, ठीक है। एक प्यारे बच्चों पराशर ऋषि, पराशर ऋषि का आश्रम भी पूछे ना तो ये प्यारे बच्चों बहलोलपुर करनाल बताया जाता है, बहलोलपुर करनाल बताया जाता है। ये महर्षि वेदव्यास ऋषि के पापा माने जाते हैं। और वेदव्यास ऋषि का आश्रम भी पूछे ना, वेदव्यास ऋषि का आश्रम पूछे तो वनसतली हो जाएगा,
वनसतली में वेद व्यास ऋषि का क्या था, आश्रम था, तो गौतम ऋषि का गोंदर करनाल, परासर ऋषि का ये बहलोलपुर करनाल में क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक है अनीस बनवाला, जो सूत्र है उनका भी संबंध, अनीस बनवाला, अनीस बन बन वाला, ठीक है, इन ये क्या रहेंगे सूटर। और कॉमनवेल्थ के इतिहास में सबसे कम उम्र में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। वैसे अनीस बनवाला का संबंध है ना, स्टार्टिंग में जन्म इनका सोनीपत में बताया गया था, लेकिन बाद में कहाँ आ गए थे, करनाल आ गए थे। जन्म सोनीपत में था, बाद में करनाल आ गए थे। और एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, लियाकत अली, लियाकत अली का संबंध कहाँ से था, तो लियाकत अली का संबंध कहाँ से था, करनाल से था। और ये पाकिस्तान के क्या बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे। देखो हरियाणा का इंसान है और पाकिस्तान का पहला क्या बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है। लियाकत अली का संबंध कहां से था, करनाल। और प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई, लेकिन 1857 की क्रांति में ना करनाल का नेतृत्व पूछे तो किसने किया था, अहमद अली ने किया था। यह क्वेश्चन आ सकता है, सर पानी भिजवा दो। 1857 की क्रांति में ना करनाल का नेतृत्व किसने किया था, अहमद अली। और लियाकत अली खान का संबंध कहां से था, करनाल से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक प्यारे बच्चों हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में है, 1990 हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। और करनाल में कहां पर रहेगा, नीलोखेड़ी में रहेगा, जो आरक्षित सी और ये करनाल की तहसील रहेगी, जो कब बना था, 1990 में बना था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, कप्तान सिंह का संबंध, जिन्हें पद्मश्री मिला था, कप्तान सिंह को कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था। कप्तान सिंह का भी संबंध कहाँ से था, करनाल से था, कहाँ से था, करनाल से था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना करनाल से प्यारे बच्चों आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना प्यारे बच्चों एग्जाम में आए हैं ना, वो मैंने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए हैं। एक है ना पर्यटन स्थल में ओएसिस झील, ओएसिस झील कहाँ पर हो जाएगी, ओएसिस झील करनाल में हो जाएगी। एक प्यारे बच्चों चक्रवर्ती झील पूछे ना, चक्रवर्ती झील भी कहां पर हो जाएगी, करनाल में हो जाएगी। करण झील भी पूछे, करण तालाब पूछे, करण स्टेडियम पूछे, तो ये कहां पर हो जाएगा, करण स्टेडियम पूछे तो ये भी कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, करनाल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा करनाल, एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, गजपत का किला, ठीक है, कौन सा किला रहेगा, गजपत का किला, गजपत का किला। ये गजपत वो जींद वाला किला नहीं है, ये ओनली गजपत का किला है, ये भी करनाल में रहेगा। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर रहेगा, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को ना जब आजादी के बाद इसका नाम महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया। एक मिनट पानी पीते हैं, थैंक यू सर। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल प्लेस पूछे ना प्यारे बच्चों, विक्टोरिया मेमोरियल प्लेस ये कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस कर दिया गया है, महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस कर दिया गया है। तो विक्टोरिया मेमोरियल प्लेस या महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस कहां पर रहेगा, तो ये प्यारे बच्चों कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। एग्जाम में, आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। करण पारक भी पूछे ना तो भी करनाल में रहेगा, गौतम ऋषि का आश्रम पूछे तो भी करनाल में, परासर ऋषि का आश्रम पूछे तो भी करनाल में रहेगा। अब यारे बच्चों यहाँ के प्रमुख है मंदिर और मेले पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से मंदिर और मेलों से क्वेश्चन ज्यादा आता है, मंदिर प्लस मेले, ठीक है। एक है ना प्यारे बच्चों अदिति मंदिर, कई किताबें है ना कुरुक्षेत्र दिखाती है, लेकिन अदिति मंदिर है ना रियल में कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा, अदिति मंदिर है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अदिति मंदिर कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। एक सीता माई का मंदिर भी पूछा गया था, कौन सा मंदिर, सीता माई का मंदिर, सीता माई का
मंदिर, सीता माई का मंदिर भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। मेलों की बात करें ना तो प्यारे बच्चों, करनाल का ना फेमस मेला है छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला। एग्जाम में आ गया, नोट डाल कर लिख लो, अम्मूपुर, अम्मूपुर करनाल में छड़ियों का कौन सा मेला लगता है? छड़ियों का मेला लगता है एक प्यारे बच्चों, परासर, परासर का मेला, यानी परासर ऋषि का आश्रम है ना, तो परासर का मेला भी पूछे ना तो कहां पर लगता है? तो परासर का मेला भी है ना वो कहां पर लगता है आपका? करनाल में लगता है। एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कलंदर शाह की दरगाह का मेला, मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं, कलंदर शाह की दरगाह का मेला, कलंदर शाह की दरगाह का, दरगाह का मेला। अगर आपसे पूछे ये बोली शाह कलंदर की दरगाह, बोली शाह कलंदर की दरगाह, ये HSSC ने पूछा था, ये पानीपत में है, कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी बोली शाह कलंदर। लेकिन कलंदर शाह की दरगाह का मेला या मजार का मेला पूछे ना तो कलंदर शाह की मजार का मेला प्यारे बच्चों कहां पर लगेगा? पानीपत, ये सॉरी आपका करनाल में लगेगा। कहां पर लगेगा? ये मेन मेन मेले याद कर लेना। एक है ना बाबा सिमरन दास का मेला, पक्का याद कर लेना प्यारे बच्चों, बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला। ज्यादा मेले याद नहीं करने, एक परासर ऋषि का मेला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहलोलपुर करनाल में वैसे आश्रम भी रहेगा, और एक है ना छड़ियों का मेला अम्मूपुर करनाल में, बाबा सिमरन दास का मेला और कलंदर की मजार का मेला, अदिति मंदिर और सीता माई का मंदिर, दो याद कर लेना। एक एग्जाम में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि आम सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? प्यारे बच्चों आम है ना सबसे ज्यादा है ना, आम अम्बाला में ना होकर करनाल में होते हैं, करनाल ना आए ना तो अम्बाला आएगा, क्योंकि आमों की अधिकता के कारण अम्बाला का नाम क्या पड़ा था? अम्बाला, कुछ कहते हैं अम्बा राजपूत ने बसाया था इसलिए अम्बाला नाम पड़ा था, और मान्यताओं के अनुसार माता अम्बा देवी का मंदिर भी कहां पर रहेगा? अम्बाला में रहेगा। तो आम अम्बाला में ज्यादा होते हैं, अम्बाला में पहले नंबर पर आम करनाल में ज्यादा होते हैं, उसके बाद अम्बाला में होते हैं। जैसे अमरूद है ना प्यारे बच्चों, अमरूद भी है ना ज्यादा करनाल में होते हैं, ठीक है, जैसे अमरूद है ना करनाल में बहुत ज्यादा होते हैं अमरूद करनाल में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम दृष्टि में। चावल पूछे ना तो वो भी कहां पर ज्यादा होते हैं? करनाल में होते हैं। करनाल का कौन सा चावल? बासमती चावल के लिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, पूरे भारत में फेमस है, रहेगा, ठीक है। एक सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस अकादमी, हरियाणा पुलिस अकादमी, पुलिस अकादमी कहां पर रहेगी? तो हरियाणा पुलिस अकादमी है ना ये प्यारे बच्चों मधुबन में रहेगी। कहां पर रहेगी? मधुबन में रहेगी। मधुबन कहां पर है? करनाल में। गुरुजी कब बनी थी? 1973 में बनी थी, और 1973 में ही प्यारे बच्चों आपका मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत वाला बना था, और YMCA जिस जो फरीदाबाद में है उसका बाद में नाम चेंज कर कर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया, वो भी 1973 में ही बनी थी। ऐसे चीजें आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, जब चीजों को जोड़ोगे तो याद हो जाएगी, अदरवाइज कोई मतलब फायदा होगा चीजों को जोड़ कर पढ़ने का। एक बार आया था प्यारे बच्चों, मूक बधिरों का विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। मूक बधिरों का, मूक बधिरों का विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? तो मूक मदिरों का विश्वविद्यालय भी कहां पर रहेगा आपका? करनाल में रहेगा। कौन सा विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चों? मूक बधिरों का विश्वविद्यालय भी करनाल में रहेगा, और ये लिबर्टी जूतों वाला पक्का पूछा जाता है करनाल, लिबर्टी जूतों का। और बाटा का पूछे ना तो बाटा का फरीदाबाद हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। लिबर्टी पूछे तो करनाल हो जाएगा, बाटा पूछे तो बच्चों फरीदाबाद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। अब प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, करनाल मैंने बताया था मंडल भी है करनाल में, करनाल केथल और पानीपत आते हैं, और करनाल लोकसभा की सीट है जहाँ से संजय भाटिया जी चुनाव अभी वर्तमान में BJP की तरफ से सांसद रहेंगे। और एक प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करनाल किस हाईवे पर रहेगा? NH 44 पर रहेगा। करनाल से कौन सा हाईवे गुजरता है? NH 44, क्योंकि पहले है ना प्यारे बच्चों इसका नाम
एनएच जो बदल दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया, NH44, पहले NH1 होता था, NH1 और 2 इसी को ना क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं। पहले एक बार आया था NH1 और 2 को क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग, तो NH44 दोनों का नाम बदल कर कर दिया गया, तो ये भी याद कर लेना प्यारे बच्चों। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था, जो सालवन गांव है ना जिसे मेलों का गांव कहते हैं, वो करनाल में रहेगा। सालवन गांव को किसका गांव कहते हैं, मेलों का गांव कहते हैं, वो भी कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। और प्यारे बच्चों पहले है ना, जो पहले पशु जनगणना हुई थी उसके अनुसार घोड़े करनाल में ज्यादा थे, वर्तमान में घोड़े कहां पर ज्यादा होते हैं, 2019 वाली जनगणना के अनुसार गुरुग्राम में घोड़े ज्यादा हैं। तो ये अपडेट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये पेपर में पूछा जाने वाला। छड़ियों का मेला बता दिया, अमूपुर करनाल में लगता है, एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, कि हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल 3 जुलाई 1961 को खोला गया था। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कौन सा रहेगा, तो हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल प्यारे बच्चों कुंजपुरा रहेगा। कुंजपुरा कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा, करनाल में। कब खुला था गुरुजी, 3 जुलाई 1961 को खोला गया था। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म याद कर सकते हो, 3 जुलाई 1961 को आप करनाल में कुंजपुरा याद कर सकते हो, 1973 में मधुबन वो पुलिस अकादमी याद कर सकते हो, 2008 में रेवाड़ी में, आपको पता है 2008 में एक सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया था, रेवाड़ी में खोला गया था, एक प्यारे बच्चों आपका झज्जर में, और एक आपका ये पंचकुला में। कहां पर रहेगा, पंचकुला में सैनिक स्कूल रहेगा। मातनहाल झज्जर में भी खोला गया था, ये भी 2016 में, और बतोड़ पंचकुला में। बतोड़ कहां पर है, 2018 में बतोड़ पंचकुला में, और झज्जर में मातनहाल झज्जर में, ये 2016 का कर लेना और ये 2018 का कर लेना। तो ये पहला पूछा जाएगा, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये तो थोड़ा सा डिटेल में बच्चों को बताना जरूरी हो जाता है। पहला सैनिक स्कूल कब खुला था, कुंजपुरा करनाल में 3 जुलाई 1961 में, फिर 2008 में, फिर 2016 में, फिर 18 में, चार सैनिक स्कूल याद कर लेना। पहला कुंजपुरा करनाल में खोला गया, बाद में एक रेवाड़ी में रहेगा, एक आपका जो झज्जर में रहेगा, और एक पंचकुला में रहेगा। इसी प्रकार पहले एनसीसी अकादमी गरोंडा करनाल में 2016 में, पहली एनसीसी अकादमी नेशनल कैडेट कोर, पहली एनसीसी अकादमी कहां पर रहेगी, गरोंडा करनाल में रहेगी। और गरोंडा करनाल में ये सेंटर एक्सीलेंस, ये पूछा जाता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस वाला सेंटर कहां पर रहेगा, आपका गरोंडा करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा, ये जो आपसे पूछा जाता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ, कहां पर रहेगा, गरोंडा करनाल में रहेगा। एक मंजियाना सिरसा में है, एक मंजियाना सिरसा में, और एक कहां पर रहेगा, गरोंडा करनाल में रहेगा। तो गरोंडा आपसे एग्जाम में पहले एनसीसी अकादमी यहां पर कब खोली गई थी, 2016 में खोली गई थी। पहली एनसीसी अकादमी कब खोली गई थी प्यारे बच्चों, 2016 में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। और ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी आ सकता है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी कहां पर रहेगा, तो ये भी कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। और दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज भी कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय का संबंध आरएसएस से था, और ये प्यारे बच्चों कहते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ना इनको अंतिम बार इनकी लाश मिली थी, इसीलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये करंट का हिसाब से क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। 1968 में ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाश मिली थी, जो किस रेलवे स्टेशन से मिली थी, तो वो याद कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन से मिली थी। ये पेपर में आता है बच्चों, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में रहेगा। दुग्ध अनुसंधान
केंद्र कहां पर रहेगा, तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, करनाल में, NDRI बोलते हैं, नेशनल डेयरी फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। ये प्यारे बच्चों करनाल में स्थानांतरित किया गया था 1955 में। पहले इसका नाम इंपीरियल डेयरी होता था, पहले इसका नाम क्या होता था, इंपीरियल डेयरी होता था 1923 में, जब इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। लेकिन 1955 में इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 1955 में ना इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये इससे पहले पूछा गया था इंपीरियल डेयरी नाम होता था, इसको बाद में कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, करनाल। मेन आपको ये याद करना है, ये डेट याद करनी है, यहाँ राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल। इसे स्थानांतरित कब किया गया था, 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। एक बार पूछा गया था केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है ना, ये कहां पर है, करनाल में, 1969 में बना था केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, तो ये कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कब बना था, 1969 में बना था। कब बना था, 1969 में बना था। या ऐसे प्यारे बच्चों 1969 में ना एक घटना, 1969 से आप कुछ घटना जोड़कर याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। 1969 की कई घटनाएं होती है, जैसे ना एक घटना से आप कई घटना जोड़ोगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएगी। जैसे ठीक है, जैसे ये प्यारे बच्चों आप HBSC बोल, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन जो भिवानी है ना, उसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी, और 1981 में उसको कहां पर स्थानांतरित किया गया था, भिवानी। ये भी पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। एक राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है ना, ये याद कर लेना, YMCA इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वो YMCA ना 1969 में बना था, मैं गलती से 1973 बोल गया, YMCA ना 1973 में बना था, ये याद कर, 1969 में बना था, मैं 1973 में बोल गया था, वो मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम कर लेना, राई सोनी वाला, ठीक है। तो इसका नाम YMCA फरीदाबाद है ना, इसका नाम बदल कर अभी जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, सॉरी माफी चाहता हूँ इसके लिए, गलती से बोला गया उसने। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, 1969 में कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। एक पूछा जाता है बच्चों राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है ना, ये प्यारे बच्चों कब बना था, 1984 में बना था। और एक आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, क्या पूछा जाएगा, ब्यूरो, ये प्यारे बच्चों 1985 में बना था, याद कर लेना। संस्थान पूछे तो 1984 में बना था, और ब्यूरो पूछे तो 1985 में बना था। दोनों कहां पर रहेंगे, आपके करनाल में रहेंगे, दोनों के दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक केंद्रीय गेहूं अनुसंधान निदेशालय, केंद्रीय गेहूं व जो अनुसंधान निदेशालय, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान निदेशालय, प्यारे बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आता है। वैसे बना तो इम्पोर्टेंट है, 1978 में था, लेकिन इसको करनाल में ना कहते हैं, बाद में ना इसको करनाल में 1990 में स्थानांतरित किया गया। तो 1978 वाली डेट याद कर लेनी है, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 में बना, बाद में 1990 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसी प्रकार है ना प्यारे बच्चों HBSC वाला है ना 1969 में चंडीगढ़ में बना, 1981 में भिवानी उसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985 में बना, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 में बना, दोनों है करनाल में, इतने याद कर लेना। चाहे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान पूछे, चाहे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो पूछे, एक 1984 में है, एक 1985 में है। एक आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है, गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र, ये प्यारे बच्चों आपका करनाल में रहेगा। लेकिन गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो गन्ना सबसे ज्यादा है ना ये यमुनानगर में होता है, गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यमुनानगर में होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन एक बार ये आया था कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र आपका करनाल में है, लेकिन गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यमुनानगर में होता है। एक बार है ना प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था, भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटा कहां पर है, भगवान सूर्य देव
भगवान सूर्य देव और करण जी की फोटो का मनमोहक घंटा, मनमोहक घंटा कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा, क्योंकि भगवान सूर्य देव ये करण थे ना, वो सूर्य पुत्र थे। उन्होंने सूर्य देव जी ने राजा करण को ना कुंडल और कवच दिए थे, जो इंद्र भगवान ने उनसे क्या कर लिए थे, धोखे से उनसे दान स्वरूप ले लिए थे। तो इनका मनमोहक घंटा भी कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम में ये पूछा गया था लिबर्टी और चीनी उद्योग दोनों कहाँ के फेमस रहेंगे। लिबर्टी वाला तो पक्का आता है बच्चों, लिबर्टी उद्योग, ठीक है, और एक चीनी उद्योग। लिबर्टी उद्योग और चीनी उद्योग ये दोनों कहाँ के फेमस रहेंगे प्यारे बच्चों? जैसे चमड़ा उद्योग जींद का फेमस था, ये कहाँ के फेमस रहेंगे? करनाल के फेमस रहेंगे। कहाँ के फेमस रहेंगे? करनाल। एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला इसकी स्थापना 1973 में रोहतक में हुई थी। फोरेंसिक, ठीक है, फोरेंसिक ये क्या होती है प्यारे बच्चों? लैब होती है जिसमें क्या होती है, क्राइम की जांच होती है। तो फोरेंसिक आपसे पूछा जा सकता है। विज्ञान प्रयोगशाला 1973 में रोहतक में हुई, फोरेंसिक विज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में कहां पर हुई थी? रोहतक में हुई थी। लेकिन ना 1976 में ना इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? मधुबन। और वर्तमान में ये कहां पर रहेगा? करनाल में है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां पर आप मतलब ट्रेनिंग करने जाओगे वो 1973 में, वो भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, एक एग्जाम में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आ सकता है कि वेद व्यास की तपोसतली है ना, वन सतली को बोला जाता है, वन सतली को वेद व्यास की तपोसतली बोला जाता था। और एक देवी का मेला और गोगा पीर का मेला, दो मेले और याद कर लेना, ये पूछे तो नहीं गए हैं, देवी का मेला और गोगा पीर का मेला, देवी का मेला और गोगा पीर का मेला, ये भी कहां के मेले फेमस रहेंगे? करनाल के है। वैसे छड़ियों वाला मेला आपके एग्जाम में आएगा, वो कहां पर रहेगा? अमूपुर करनाल में रहेगा। सीता माई का मंदिर करनाल में, और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मेला पूछेगा बाबा सिमरन दास का मेला अदिति मंदिर, ये करनाल में रहेंगे। एक है मीरा साहब का मकबरा, ये आया तो नहीं है, फिर भी नोट कर लो, मीरा साहब का मकबरा, मीरा साहब का मकबरा भी कहां पर रहेगा? तो मीरा साहब का मकबरा भी प्यारे बच्चों कहां पर रहेगा? करनाल में। किसका मकबरा रहेगा? मीरा साहब का क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल में, कब बना? 2017 में, ये आ सकता है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कब बना? तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कब बना था? 2017 में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली बार 1997 में गई थी, 1994 में नासा में उसका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार ना करनाल को भारत के स्वच्छ शहरों में 24वां नंबर मिला था, इसीलिए करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो 24वां ये हरियाणा की साफ शहर की प्रथम और भारत का 24वां करनाल है ना। हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहरों में किसकी गिनती होती है? हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहरों में तो हरियाणा में पहले पर रहा था 2019 के सर्वे के अनुसार। और पूरे देश में ना कौन सा स्थान था करनाल का? 24वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था करनाल का। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस, क्योंकि पेरिस क्या है? सुंदरता के लिए जाना जाता है। और हरियाणा में सुंदरता के लिए कौन जाना जाता है प्यारे बच्चों? करनाल जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये डायरेक्ट एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर बनाए जाते हैं? यानी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्यारे बच्चों कहाँ पर बनाए जाते हैं?
करनाल में बनाए जाते हैं। ये भी एग्जामी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर बनाए जाते हैं? करनाल में बनाए जाते हैं, ये पेपर में आ सकता है। और कल्पना चावला वाला तो बहुत बार एग्जाम में आ गया, कल्पना चावला से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और करनाल को सीएम सिटी क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी का क्या रहेगा, ये विधानसभा क्षेत्र रहेगा। तो करनाल की जितनी भी चीजें बताई है ना प्यारे बच्चों, वो नोट कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत करण नगरी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो दो आश्रम पक्का याद कर लेना, गौतम ऋषि का आश्रम और पराशर ऋषि का आश्रम, और ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और करनाल है ना, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तो करनाल से बनेगा ही बनेगा, चाहे धान का कटोरा आ जाए, चाहे हरियाणा का पेरिस आ जाए, चाहे सीएम सिटी आए, चाहे एग्रो हब आए, चाहे लिबर्टी शूज वाला आए, चाहे कल्पना चावला से क्वेश्चन आए, चाहे नवदीप सैनी से क्वेश्चन आए, कप्तान सिंह, मैं तो कहता हूँ कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों का गलत है नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपके प्यार की बदौलत आपका चैनल जो 3.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं ना, उसकी खुशी में ना आप हरियाणा का ना प्यारे बच्चों 249 रुपये में ना, जो अभी 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे ना, फीमेल चाहे MPHW का हो, स्टाफ नर्स हो, ग्राम सचिव, करनाल पटवारी, 249 रुपये का कोर्स रहेगा। हरियाणा पुलिस का पूछे ना तो 349 रुपये का कोर्स रहेगा, और कैट का पूछे ना CET का, ये लाइव बैच रहेगा 499 रुपये का। 7478-4007 पर आप संपर्क करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये प्यारे बच्चों, आप अच्छा लगे तो देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। मेरी 2 क्लासें यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट आपको कवर करवाऊंगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।